Good morning, kids. Welcome in your English lecture. So, kids, today I'm going to explain the fourth chapter, The Dolphin and the Shark. So, kids, let's read the story of this chapter. This is the story about a shark and a dolphin and about the magical experience that they have one day. यानी कि ये किसकी एक शार्क और डॉल्फिन की स्टोरी है जिसमें क्या है एक उनका मैजिकल एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुआ था वो एक्सप्लेन किया हुआ वॉज इट रियल रीड एंड फाइंड आउट यानी कि क्या वो रियल में था लेट्स रीड एंड फाइंड आउट वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ शार्क नेम्ड सिमोन एंड अ डॉल्फिन नेम्ड डूडली सो किड्स एक बार क्या था एक शार्क सिमोन नाम के शार्क और डुडली नाम के डॉल्फिन रहते थे दे लिव्ड इन द ओशियन नॉट टू फार फ्रॉम अ ब्यूटिफुल सैंडी बीच यानी कि एक ओशन के पास जो कि सैंडी बीच से बहुत ही सुंदर सैंडी बीच से ज़्यादा दूर नहीं थी अ टाल लाइट हाउस एंड अ डार्क मर्करी स्वैम्प वर देयर ऑन द बीच यानी कि एक बीच के पास क्या क्या थे एक टॉल लाइट हाउस और एक डार्क मर्करी स्वैम्प क्या होता है मतलब कि डार्क और डर्टी होते थे नाउ सिमोन एंड डूडली न्यू ईच अदर बट दे वरंट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यानी कि सिमोन डूडली एक दूसरे को अच्छे से जानते थे पर वो बेस्ट फ्रेंड नहीं थी डूडली हैड टू सिस्टर्स एंड दे प्लेड टुगेदर एंड टू केयर ऑफ ईच अदर यानी कि डूडली के कितने सिस्टर थी टू और वो आपस में देख खेलते और एक दूसरे की देखभाल करते दे वर वेरी हैप्पी इन द कूल ब्लू वाटर यानी कि वो क्या थे बहुत ही हैप्पी थे सो किड्स टर्न द नेक्स्ट पेज बट सिमोन स्वैम अलोन यानी कि सिमोन अकेली स्वैम करती थी He had no brothers and or sisters and no one to play with. यानी कि उसके कोई ना ब्रदर सिस्टर नहीं थे ना कोई और किसी के साथ नहीं खेलती थी This made him grumpy. Grumpy क्या होता है kids? Unhappy. And so he would spend his days swimming lazily, feeling sorry for himself and just being mean. यानी कि वो अपना डेज कैसे स्पेंड करती लेजीली स्विम करने में और अपने आप में सॉरी फील करने में ही स्पेंड कर देती सिमोन्स फेवरेट हॉबी वॉज टू अटैक डूडली एंड हिज सिस्टर यानी कि सिमोन का फेवरेट हॉबी क्या थी डूडली और उसके सिस्टर्स पे अटैक करना ही वुड डाइव डीप इन द वाटर यानी कि वो क्या करती वाटर के अंदर डीप डाइव करती लर्किंग नियर द बॉटम लर्किंग मीन्स हाइड करके अटैक करने के लिए वेट करना यानी कि बॉटम के नियर जो है वो अटैक करने के लिए वेट करती व्हेन ही सा द डॉल्फिन्स प्लेइंग नियर द सरफेस ही वुड स्विम एज हार्ड एज ही कुड टुवर्ड्स देम एंड ट्राई टू बाइट देयर टेल्स यानी कि जैसे ही वो देखती कि डॉल्फिन प्लेइंग कर रही हैं सरफेस के पास तो वो इतना तेज स्विम करती जितना वो कर सकती और उनको जो टेल्स को बाइट करने के लिए कोशिश करती बट द डॉल्फिन्स ऑलवेज सॉ हिम कमिंग यानी कि पर जो डॉल्फिन्स हमेशा उसको आते देख लेती दे वुड कम अप आउट ऑफ द वाटर यानी कि वो वाटर से बाहर आ जाती स्टैंड ऑन देयर टेल्स एंड विसल एंड गीगल और टेल्स पे स्टैंड होके विसल और गीगल करती दे ऑलवेज मैनेज टू कीप जस्ट आउट ऑफ रीच ऑफ सिमोन्स बिग शार्प टीथ यानी कि वो सिमोन के बिग शार्प टीथ को पहुँचने से पहले ही वो अपने आप को क्या कर लेते मैनेज कर लेते आई डोंट थिंक सिमोन रियली वॉन्टेड टू कैच दैम डू यू यानी कि मुझे तो नहीं लगता क्योंकि वो बाइट करना चाहती थी उनको क्या आपको लगता है बिकॉज इफ़ ही कॉट दैम एंड एट दैम ही वुडंट हैव एनी फन एनी मोर यानी कि अगर उनको पकड़ लेती उनको बाइट कर देती खा जाती तो उसके पास कोई और फन नहीं बचता करने के लिए बट यू नेवर नो अबाउट शार्क्स सो डूडली एंड हिज सिस्टर्स वर ऑलवेज ऑन द लुकआउट फॉर सिमोन द ग्रम्प सो किड्स यानी कि सिमोन के ग्रम्प यानी कि जो बहुत सारी कंप्लेन करता
वो हमेशा क्या करते, डूडली और उसके सिस्टर उसकी तरफ देखते, उसकी जो शिकायतें थी, उसकी जो हरकतें थी उनकी तरफ। वन डे व्हाइल डूडली वाज स्विमिंग बाय हिमसेल्फ, यानी कि वो डूडली हिमसेल्फ अकेली खुद जो स्विमिंग कर रही थी, एंड सिमोन वाज चेजिंग हिम, सिमोन उसको चेज कर रही थी। दे गॉट वेरी क्लोज टू द शोर, यानी कि वो शोर के बहुत ही क्लोज पहुंच गई। डूडली लिप्ड आउट ऑफ द वाटर विद सिमोन राइट बिहाइंड हिम, यानी कि जो डूडली थी वो क्या होगी वाटर से बाहर आ गई और सिमोन भी उसके जस्ट बिल्कुल पीछे थी। एंड दे बोथ सॉ समथिंग वेरी स्ट्रेंज ऑन द बीच, यानी कि दोनों ने बीच के ऊपर बहुत ही स्ट्रेंज देखा। दे आर लीडिंग आउट ऑफ द स्वैम, यानी कि वो क्या कर रहे थे, स्वैम को लीडिंग कर रहे थे। वर स्ट्रेंज ट्रैक इन द सैंड, यानी कि वहाँ क्या थे, स्ट्रेंज ट्रैक थी सैंड के ऊपर। डूडली स्टॉप स्विमिंग एंड सिमोन स्टॉप चेजिंग, यानी कि उसने स्विमिंग करना स्टॉप कर दिया और सिमोन ने चेजिंग करना स्टॉप कर दिया। दे हैड नेवर सीन मार्क्स लाइक दैट बिफोर, यानी कि उन्होंने इससे पहले ऐसे कोई मार्क्स नहीं देखे थे। आई वॉन्डर इफ इट वॉज डकबिल्ड प्लेटिपस, डकबिल्ड प्लेटिपस क्या होता है, एक सी क्रिएचर होता है, यानी कि उसको लगता है, डूडली कहती है कि मुझे लगता है ये डकबिल्ड प्लेटिपस है। आई डोंट थिंक सो रिप्लाइड सिमोन, सिमोन ने कहा मुझे नहीं लगता। आई बेट इट वॉज अ रेड ब्रेस्टेड हैरी हेडेड नी वॉकर, यानी कि वो कहती है कि बैट लगा लो कि ये रेड ब्रेस्टेड हैरी हेडेड नी वॉकर हो सकता है। बट सिंस नाइदर ऑफ द क्रिएचर्स वर सीन इन दोज पार्ट्स वेरी ऑफन, पर उन्होंने ऐसा कोई क्रिएचर इससे पहले इस पार्ट में नहीं देखा था। दे कैप्ट ऑन वॉन्ड्रिंग, यानी कि वो चकित रहेगी। दे थॉट मे बी इट हैड बीन अ बिग बिल्ड विडगेट गॉबलर, यानी कि वो क्या हो सकता है, बिग बिल्ड विडगेट गॉबलर और परहैप्स अ हुटी स्नूटी क्रावलर, यानी कि या फिर शायद हुटी स्नूटी क्रावलर हो सकता है। बट दे जस्ट वरंट श्योर दैट हैड मेड दोज फनी लार्ज फुटप्रिंट्स, यानी कि पर जो दोनों ही थी वो क्या थी, श्योर नहीं थी कि ये जो फनी लार्ज फुटप्रिंट्स है वो किसने बनाए। सडनली दे हियर समथिंग सफलिंग अलोंग द बीच, यानी कि सफलिंग मीन्स स्लोली और नॉइसली वॉक करते हुए सुनना, उन्होंने सुना अचानक ऐसा। दे कुड ऑलमोस्ट सी इट नाउ, यानी कि अभी वो लगभग उसको देखने वाले थे। इट वॉज गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड देन देयर इट वॉज, यानी कि वो क्या आ रहा था, उनके क्लोजर एंड क्लोजर आ रहा था और उनके बिल्कुल सामने आ गया। इट वॉज इवन स्ट्रेंजर देन एनीथिंग दे हैड थॉट ऑफ, यानी कि वो इतना स्ट्रेंजर नहीं था जितना उन्होंने क्या था, सोचा था। दे आर कमिंग एट देम, Getting nearer and nearer was a great big green alligator. यानी कि वहाँ क्या हुआ, उनके नज़दीक आ रहा था। Getting nearer and nearer, यानी कि बहुत ही नज़दीक आ रहा था। Was a great big green alligator, यानी कि क्या था वो, big green alligator था। Wearing a funny hat and raggedly overalls एंड ही वॉज डांसिंग, यानी कि उसने क्या वियर कर रहा था, एक हैट, फनी हैट, रैगडी ओवरऑल्स। रैगडी ओवरऑल क्या होता है, ओल्ड लुकिंग ओल्ड एंड डर्टी, एंड गारमेंट्स ओवरऑल क्या होता है, गारमेंट्स विद ट्राउजर एंड स्ट्रैप्स ओवर द शोल्डर, यानी कि अपने शोल्डर के ऊपर उसने क्या पहन रखा था, ट्राउजर एंड स्ट्रैप्स को पहन रखा था। दिस ठीक है, और क्या कर रहा था, डांसिंग कर रहा था। वेल दे थॉट दिस वॉज द फनीस्ट साइट दे हैड एवर सीन, यानी कि उन्होंने सोचा कि ये क्या था, उनका फनीस्ट साइट था जो कि उन्होंने पहले नहीं देखा। बट देन दे हियर्ड म्यूजिक,
नेक्स्ट पेज टू एंड द म्यूजिक वॉज गेटिंग लाउडर एंड लाउडर एंड आउट ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ देयर आईज दे सा ओ इट जस्ट कुडंट बी, यानी कि उन्होंने म्यूजिक की भी आवाज़ सुनी और म्यूजिक क्या होता जा रहा था, बहुत ही लाउडर यानी कि तेज तेज होता जा रहा था, और उन्होंने क्या देखा, अपनी आंखों से देखा, ओ इट जस्ट कुडंट बी यानी कि ऐसा नहीं हो सकता, जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उन्होंने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता। सो किड्स, नेक्स्ट ऑफ द पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू किड्स।